याद है ना आपको वो टाइम जब कोई भी घर से निकल नहीं रहा था, सबको ये लग रहा था सब खत्म हो रहा है, सरकारें सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रही हैं, और हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब हमारे बच्चों की जिंदगियां ख़त्म होने की कगार पर हैं। उस वक्त ये लोग जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं वो निकल करके आगे आए और उस मुश्किल की घड़ी में आपके बच्चों को बचाने के लिए घरों से निकले, अपनी जान की बाजी लगा करके। याद है मुझे वो टाइम जब ये कहा करते थे कि डॉक्टर साहब जो मर्जी हो जाए आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ है, क्योंकि उस टाइम समस्या बड़ी लग रही थी। फिर अचानक से लॉकडाउन खुल गया, वो जो मास्क लगाने का मैंडेट था वो भी खोल दिया सरकार ने, तो आपको लगा मुश्किलें आसान हो गई। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी भी जिंदा है मेरे दोस्तों, वो उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि अभी भी सीसीटीवी कैमराज का जो षड्यंत्र है, जो ये पूरे किसानों को बर्बाद करने का खेल है, हर किसी को कर्जे में दबाने का खेल है, ये जो करेंसी का खेल है, ये आपको नहीं अभी समझ में आएगा। आप लगातार बीमार हो रहे हो, रामलीला में अभिनय करते हुए सड़क टपक के गिर रहे हैं, आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि सड़कों पर चलते चलते हमारे बच्चे प्रार्थना में गिर रहे हैं, ये अब बढ़ने वाला है और इस लड़ाई को और तेज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच कर घरों में बैठे हैं कि सब खतरे टल चुके हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए कल संडे को आपका आना बहुत ज़रूरी है, सिंहासन बैंकेट हॉल रोहतक में आना। कल की तारीख याद है ना आपको, आपके लिए इतना ज़रूरी दिन है कल का दिन जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आपको खेत में कोई काम है, कोई और दिशा में आपका जाना है, अगर आप कुछ और कर रहे हो, तो भी 16 तारीख को मत भूलिए। 16 अक्टूबर 2022 सिंहासन बैंकेट हॉल रोहतक, किसी भी कीमत पर पहुंचना है आपको, ये सोचिएगा। जनता सरकार मोर्चा के साथियों को हिम्मत आपसे मिलेगी सिर्फ ये देख करके कि आप कितने लोग हमारे साथ आए, संख्या बल से नहीं, हमें आपसे आत्मबल चाहिए, हमें आपसे हिम्मत चाहिए, हमें उन लोगों का साथ चाहिए जो लोग इस षड्यंत्र को समझते हैं। उन लोगों का घरों में रहना समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जिनको बात ही समझ में नहीं आई उनसे हम क्या उम्मीद करें, जो किसी पार्टी के गुलाम है उनसे हम क्या उम्मीद करें। नवनियुक्त कलेक्टर श्री दिलीप कुमार राणा ना अध्यक्षस्थाने जिला संकलन सह फरियाद समिति ने बैठक योजाई। भूज कलेक्टर कचेरी खाते नवनियुक्त जिला कलेक्टर दिलीप कुमार राणा ना अध्यक्षस्थाने संकलन सह फरियाद समिति ने बैठक आ बैठक में पदाधिकारियों सहित उपस्थित रहा था, ताकीदे प्रश्नों निवारण संबंधित अधिकारी श्रीओ ने जरूरी मार्गदर्शन अपायु। जिला पंचायत प्रमुख श्री पारुलबेन कारा तेमज सामाजिक न्याय समिति ना चेयरमैन केशव जी राशियाए उपस्थित रही पाणी वीजड़ी ने प्रश्नों की रजूआत करी। कलेक्टर श्री आ प्रश्नों निराकरण लावा संबंधित अधिकारियों ने ताकीद करी थी। आ उपरांत कलेक्टर प्रजाना कामों विना विक्षेपे पूर्ण थाय ते माटे जरूरी मार्गदर्शन आपीने संबंधित अधिकारी श्रीओ ने नियत मर्यादा में पेन्डिंग प्रश्नों निराकरण लावा सूचना आपी थी। जिला में प्रवर्तमान स्थिति ने थई रहेला विकास कार्य विगत पण अधिकारी पासे थी मेळवी योग्य सूचना आप्या हता। आ बैठक में पश्चिम कच्छ पोलिस अधीक्षक श्री सौरभ सिंह, पूर्व कच्छ पोलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र बगड़िया, निवासी अधिक कलेक्टर श्री मितेश पंडिया, तालीमी IAS अधिकारी श्री सुनील सोलंकी, भुज प्रांत अधिकारी श्री अतिराग चपलोत सहित सर्व प्रांत अधिकारी श्रीओ तेमज संबंधित अधिकारी उपस्थित रहा था।